आज के इस वीडियो में हम आपको GX6605S NK सीरीज़ के लिए एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है, वो सॉफ्टवेयर हम आपको देने वाले हैं जिसमें YouTube और काफ़ी सारे फंक्शन जो है प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जो सॉफ्टवेयर देने जा रहे हैं काफ़ी अच्छे सॉफ्टवेयर है और काफ़ी स्मूथली ये सॉफ्टवेयर वर्क करता है आपके GX6605S NK वाले बोर्ड में। यानी कि दोस्तों जो आपके पास सेटअप बॉक्स है, चाहे आपका मेनू इस तरीके का हो या और किसी अलग तरीके का आपका मेनू हो, लेकिन वो NK वाला सेटअप बॉक्स रहना ज़रूरी है। यहाँ पर जो है हमारे पास GX6605S NK वर्जन 2.6 वाला यहाँ पर जो है ये सेटअप बॉक्स है और ये एनटेक्स का सेटअप बॉक्स है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें हमने पिछले वीडियो में आपको ये सॉफ्टवेयर दिया था जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर मैं दे रहा हूँ, जब आप इसे करने जाओगे तब आपको यहाँ पर एरर का मैसेज शो होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, फिर से एक बार मैं ओके प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर एरर का मैसेज शो हो रहा है। तो यहाँ पर आपके सेटअप बॉक्स में ये ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है और जब भी आप इसमें कोई सॉफ्टवेयर करने जाते हैं तो यहाँ पर एरर का मैसेज शो होता है। तो इसके लिए आपको NK सीरीज़ वाला जो मास्टर सॉफ्टवेयर हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे इसके साथ, वो सॉफ्टवेयर आपको करना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हम ओके प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको मैसेज आ चुका है, यहाँ पर अपग्रेडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर जो नए यूज़र है उनको हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जब भी आप अपने सेटअप बॉक्स का सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहे हो तो आपका जो है पावर कट नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका अगर पावर कट होता है तो यहाँ पर आपके सेटअप बॉक्स डेड होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डोंट कट ऑफ द पावर का मैसेज आ चुका है और यहाँ पर लगभग जो है हमारा सॉफ्टवेयर है अपग्रेड हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि ये सॉफ्टवेयर आपको दिया जा रहा है, ये मास्टर सॉफ्टवेयर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका लोगो आ चुका है। और वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट यहाँ पर करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इसका जो प्रोसेसिंग है बूट लोगो का यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो है इसका बूट लोगो का प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है। और ये इस तरीके का मेनू है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका मास्टर सॉफ्टवेयर है। काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा जो कि नए यूज़र हमारे के साथ जुड़ चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके सिस्टम इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर वही वर्जन है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर से अब जो हम सॉफ्टवेयर दे रहे हैं वो सॉफ्टवेयर यहाँ पर से अपग्रेड कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर GX6605S NK यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर हम दिए आज के इस वीडियो में दे रहे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर वही सॉफ्टवेयर हमने पिछले सॉफ्टवेयर में करना चाहा तो यहाँ पर एरर का मैसेज आ रहा था, लेकिन अब जो है यहाँ पर वो मैसेज चला जा चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वेटिंग का मैसेज आ चुका है, यानी कि अपग्रेडिंग का प्रोसेस जो है यहाँ पर जारी हो चुका है। वेटिंग डोंट कट ऑफ द पावर का मैसेज आ चुका है। जो भी नए यूज़र यहाँ पर हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए फिर से एक बार हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका सेटअप बॉक्स में जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर कर रहे हो या डम फाइल आप बना रहे हो तो आप जो है इस मैसेज को आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो होगा, यहाँ पे आपका जो है सेटअप बॉक्स का पावर कट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमारा सॉफ्टवेयर जो है सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और इसका भी बूट लोगो आएगा, उसको भी प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका भी बूट लोगो आ चुका है और यहाँ पर जो है हमारा सेटअप बॉक्स एक बार रिस्टार्ट होता है, यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पर जो भी नए यूज़र इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार इस वीडियो को पूरी तरीके से समझ लीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो है काफ़ी सारे नए यूज़र रहते हैं जो कि यहाँ पर कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर अपने सेटअप बॉक्स में करना चाहते हैं तो आप जो है अपने सेटअप बॉक्स का सबसे पहले डम फाइल निकाल लीजिए, क्योंकि अगर आपका सेटअप बॉक्स किसी वजह से डेड होता है तो यहाँ पर जो है रिकवर करने के लिए आपके सेटअप बॉक्स का डंप फाइल आपके बहुत ही काम आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेटअप बॉक्स का जो सॉफ्टवेयर हम दिए हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इसका मेनू है, आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत इसका मेनू है, आप यहाँ पर देख लीजिए। दिखने में काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये सेटअप बॉक्स जो सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर जो है काफ़ी अच्छे सॉफ्टवेयर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं।
और इसमें जो है YouTube और काफ़ी सारे फंक्शन आपको यहाँ पर प्रॉपरली वर्क किए हुए यहाँ पर नज़र आएंगे, जो कि हम आपको यहाँ पर एक एक करके दिखाने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी सॉफ्टवेयर में इस मेनू जो है आपको देखने को मिलता है, यानी कि यही सारे फंक्शन जो है आपको अपने सेट टॉप बॉक्स में, जो भी आप सेट टॉप बॉक्स लेते हैं उसमें आपको ये मेनू वगैरह यानी सेम रहता है, लेकिन कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पर नए नए दिखाई देते हैं, तो इनको बताने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार हम आपको सभी ऑप्शन चेक करके दिखा देते हैं यहाँ पर जो है। और YouTube इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, काफ़ी सारे ऑप्शन जो है इसमें काफ़ी रहे, हमने इसे यूज़ करके देखा है। और कोई भी यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर जो है पहले हम यूज़ करते हैं, बाद में ही आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने जो है इसमें वाईफाई हमारा हॉटस्पॉट मोबाइल का ऑन करके यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। काफ़ी सारे नए यूज़र रहते हैं और हमसे लगभग काफ़ी कमेंट आते हैं कि यहाँ पर हॉटस्पॉट का पासवर्ड क्या है। तो यहाँ पर जो भी आपका मोबाइल का हॉटस्पॉट रहता है उसी का ही पासवर्ड इसमें डालना रहता है। तो काफ़ी नए यूज़र को पता नहीं होता है कि हमें कमेंट में पूछते हैं कि पासवर्ड क्या डालना चाहिए, पासवर्ड क्या डालना चाहिए। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, जो भी आपके मोबाइल के हॉटस्पॉट का पासवर्ड है वही यहाँ पर पासवर्ड ऐड करना चाहिए। तो अगर आपको नहीं आता है तो उसके ऊपर भी हम आपको और एक वीडियो बनाकर दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फंक्शन इसमें जो है वर्क कर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वेदर चेक कर लेते हैं। तो वेदर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मोबाइल हॉटस्पॉट कनेक्ट है अपने सेट टॉप बॉक्स से। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से वेदर भी यहाँ पर वर्क कर रहा है, यूट्यूब अपडेटिंग ले रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रही है। यहाँ पर हम एक आधी वीडियो प्ले करके आपको दिखा रहे हैं, ज़्यादा देर आपको प्ले करके दिखा नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ सकता है, और आवाज़ भी हमने यहाँ पर म्यूट की है। तो यहाँ पर ये जो है यूट्यूब आपके नेट के स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, आपका नेट कितना Mbps यहाँ पर आपको स्पीड दे रहा है, तो उसके ऊपर आपको यहाँ पर YouTube जो है यहाँ पर वर्क करता है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से इस सेटअप बॉक्स में, ये सॉफ्टवेयर में, ये जो है YouTube काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। आप यहाँ पर अपग्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अपग्रेड बाय नेट होंगे तो आपको दिक्कत जो है आ सकती है। तो यहाँ पर आप अपग्रेड बाय नेट का ऑप्शन मत करिए। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं डेली मोशन यहाँ पर अपडेटिंग ले रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है। IPTV यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें IPTV भी मिलता है, हॉटस्टार सभी बॉक्स में मिलता है, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ बॉक्स में ये हॉटस्टार वर्क नहीं करता है, फिलहाल में इसमें भी वर्क नहीं कर रहा है। ईकास्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोड को स्कैन करके आप अपने मोबाइल से ईकास्ट इसमें चला सकते हैं। इसमें जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना होगा 6605ES, और जैसे ही आप ये पासवर्ड डालते हैं तो यहाँ पर जो है एक नया ऑप्शन आपको दिखाई देगा जो कि केबल का ऑप्शन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वैसे भी ये इलीगल है, आप इसका यूज़ मत कीजिए, आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहते तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें हिडन कर लेता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मीडिया सेंटर है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अपनी पेन ड्राइव से आप जो भी फाइल इसमें लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, अपने सेट टॉप बॉक्स का डिस्प्ले रिकॉर्ड कर सकते हैं आप यहाँ पर से। अब जो है इसकी सिस्टम इंफॉर्मेशन आप आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 8/9/2021 का ये सॉफ्टवेयर है, यानी कि आपको ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हम दे रहे हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें यूट्यूब, ई कास्ट, डेली मोशन और काफ़ी सारे ऑप्शन जो है इसमें प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, हमने खुद यूज़ किया है और काफ़ी अच्छे तरीके से ये सॉफ्टवेयर जो है स्मूथली वर्क करता है। GX6605ES NK सीरीज़ का 2.6 वाला अगर आपके पास बोर्ड है या और भी कोई बोर्ड है तो आप इसमें कर सकते हैं, लेकिन NK वाला सेट टॉप बॉक्स रहना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके